अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन इन अल-यूसुफ अकेडमी। चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है, एक्सरसाइज नंबर 5.2। तो फैक्टराइजेशन के अंदर हमने जो है बेसिकली क्वेश्चंस कर लिए थे 6, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन कर लिए थे पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर वन के अंदर पार्ट 6 कंप्लीट हो गए थे। अब ये है कि हमारा 7 स्टार्ट हो रहा है, तो ज़रा देखें हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब सॉल्व किस तरह करेंगे इसको, तो पहले तो इसको हम देखते हैं पूरा ये है क्या। तो ये क्वेश्चंस हमारा देखें, आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला नज़र आ रहा है। ये पूरा ए स्क्वायर है, ये पूरा बी स्क्वायर है। कैसे, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। ये देखें, ये वैसे ही रहेगा, ये भी वैसे ही रहेगा, ये भी वैसे ही रहेगा। ये हो गया हमारे पास ए, और ये जो है बेसिकली इसको हम क्या करेंगे, इसको 2 फैक्टर कर देंगे और उसके बाद इस तरह कर देंगे इसको। इन सब का 2 ऊपर चला जाएगा और इसका भी 2 ऊपर। तो ये बन गया हमारा फार्मूला। फार्मूला उतार लेते हैं, देखें किस तरह हो रहा है। फार्मूला उतारने के लिए रखते हैं, ये ए हो गया, ये माइनस और ये बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अभी क्या करेंगे, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में। सिंपल, यही तरीक़ेकार होता है ना, उतारते हैं हम सिंपल। अब इसको उतारते हैं, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में। तो ये देखें, ये हमारे पास पूरा ए है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, और उसके बाद ये बी उतार लें, माइनस में होगा 2x, और ये हो गया वाई। एक बार माइनस में उतर गया, एक बार प्लस में उतार दें, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और अब प्लस में 2x, ठीक है। मतलब एक बार ये पूरा उतारा, फिर माइनस रख दिया बीच में ये वाला, ठीक है, और उसके बाद फिर ये हमने b उतार लिया। ये a है, ये b है, ठीक है, ये बीच में माइनस आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर ये बीच में प्लस आ गया, और ये a है और ये b है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं। देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 8 उतार लिया, इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, हमारा देखें पूरा फार्मूला नज़र आ रहा है, ठीक है। कैसे, ये देखें, एक्स प्लस 2xy और उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर, आ गया नज़र पूरा फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर फार्मूला पुट कर देंगे। फार्मूला आपको पता है, फिर लगा देता हूँ मैं फार्मूला। ये देखें, हम यहाँ पे रख लेते हैं फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखें पूरा फार्मूला लग गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें पैक कर देते हैं हम इसको, ठीक है। तो हमारे पास देखें, ये ए है और ये बी है। तो पैक किस तरह करेंगे हम, कि भाई ये लिख दिया एक्स और ये लिख दिया हमने वाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैक, ठीक है, और उसके बाद बीच में हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास माइनस था, ये देखिए माइनस है, ठीक है। तो ये माइनस और ये 49 का जब स्क्वायर लेंगे तो 7 आ जाएगा, और ये जेड इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर चला गया। यहाँ देखें एक और फार्मूला लग रहा है, फार्मूला उतार लेते हैं, देखें कौन सा फार्मूला लग रहा है इसके अंदर। यहाँ लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, ठीक है। अब उतारते हैं इसको, तो उतार लेते हैं अब इसको हम, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास ये आ गया, एक बार माइनस में 7 और एक बार हम प्लस में उतार लेते हैं, एक्स प्लस वाई फिर उसके बाद प्लस 7 और ये जेड, ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उतार लेते हैं हम। यहाँ देखिए हमने क्वेश्चंस उतार लिए, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब यहाँ पर देखें, ये हमारा यहाँ पर भी एक फार्मूला लग रहा है यहाँ से वहाँ तक, और इसको एस को हम अलग कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन करना,
मिनट हम पॉइंटर चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा एस को हमने अलग किया और ये सब में से माइनस हमने ले लिया ताकि ये अंदर की चेंज होके हमारा फार्मूला लग जाए। कैसे लगेगा फार्मूला ये देखें, ये प्लस में 16 और प्लस 8 टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब देखें ज़रा इसको, हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे और ये देखिएगा ज़रा, पहले अरेंज करने से पहले यहाँ पर ये जो है साइन चेंज होने थे क्योंकि मैंने माइनस बाहर ले लिया था कॉमन। तो ये देखें ये तो जो था प्लस में हो जाएगा और ये प्लस जो था माइनस में हो जाएगा और ये माइनस से तो प्लस में हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारे साइन चेंज हो गए। अब हम इसको क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं किस तरह। ये देखें टी को हम यहाँ ले आते हैं ताकि ये तो वैसे ही रहने दें, टी स्क्वायर को यहाँ लिया, फिर उसके बाद हमारा ये जो है वैसे ही रहने दें माइनस 8 स्क्वायर और उसके बाद ये जो 16 है वो यहाँ लिया। अच्छा 16 को जो है हम क्या करते हैं 4 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। लेने के बाद हमारा फ़ायदा क्या होगा, ये देखें फार्मूला लग रहा है, मैं फार्मूला उतार लेता हूँ। देखें कौन सा फार्मूला लग रहा है हमारा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लग रहा है ना। तो आप ये चेक किया करें कि फार्मूला कहाँ कहाँ लग रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको s को वैसे ये लगदा लगा देते हैं, s को वैसे ही उतारते हैं, ठीक है। s स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट लगा के अंदर रख देते हैं ताकि हमारा फार्मूला सही लगे, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 2 आएगा ना यहाँ पे 2, और a क्या है हमारे पास टी, और b क्या है हमें पता चल गया हमारा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप इस तरह लगा दें 4, ठीक है। और उसके बाद प्लस यहाँ पे हमारा 4 आ गया। अब इसको पूरा फार्मूले में पैक कर दें, ठीक है। कौन से पैक होगा, इसमें पैक कर दें। तो अब ये देखिए हमारे पास क्या है, टी हमारे पास है ए और बी हमारे पास है माइनस 4। तो ये हमारा एक और फार्मूला बन गया देखें, ठीक है। तो जी ये देखें यहाँ पर ये अब हो गया फार्मूला, एक और फार्मूला लग जाएगा। हम उतार लेते हैं फार्मूला, यहाँ देखिए हमने फार्मूला उतार लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एस एक कर्ली ब्रैकेट हम लगा देंगे क्योंकि एस पहले एक बार माइनस में करना है फिर उसमें ना। तो ये माइनस में हमने लिया और ये जो है टी और माइनस 4, तो ये हो गया पैक हमारा। और उसके बाद अब हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है, एस माइनस सॉरी प्लस में है, ठीक है, क्योंकि एक बार माइनस में हो गया अब प्लस में होगा। और ये जो है हमारा टी और ये हो जाएगा आपका तो टी माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे भी एक कर ली, अरे यहाँ पर देखें गलती से स्क्वायर लग गया था, यहाँ नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है। तो कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के लिए एस ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस टी और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 4। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, एस प्लस 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 टी प्लस माइनस माइनस 4। तो ये आंसर है हमारा, ठीक है। व्यूअर्स यकीनन वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करिएगा हमारा चैनल, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम और मज़ीद वीडियो देखते रहिएगा।